चोर चोर को मार दीजिएगा, एकदम नहीं हुजूर, एकदम इनह्यूमन घटना है, एकदम इनह्यूमन। हम अभी इन्हीं की बात मान रहे हैं कि वो चोर था। नहीं, इनकी बात फॉर द टाइम बीइंग हम मान रहे हैं, हम चोर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी बात मान रहे हैं। आई एम एक्सेप्टिंग हिज आर्गुमेंट फॉर द टाइम बीइंग दैट ही वाज अ थीफ। व्हाट गिव्स देम द राइट टू किल हिम? डेफिनेटली माय लॉर्ड, नो वन हैज द राइट टू किल एनीवन। लेकिन हुजूर, इन द एंटायर केस डायरी अगर एक आदमी का भी स्टेटमेंट हो कि उसने हमको मारते हुए देखा है, एक थप्पड़ भी अगर हमने मारा है हुजूर, देन आई एम आउट ऑफ दिस कोर्ट। और एलिगेशन इज रात को 11:30 बजे हम बुला के लेके गए इनको काम करने के लिए, उसके बाद ही वापस आ गए। फिर रात के 2:30 बजे अपने घर से निकलते कहते हैं कि जाके हम उनसे पैसा लेके आएंगे। रात के 2:30 बजे पैसा मांगने का, उसके बाद हुजूर इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस का भी स्टेटमेंट आया है केस डायरी में, जो कि है पैराग्राफ 78 में। उसके बाद हुजूर कल पूछा गया था कि आपके दुकान के बाहर वाला पोल में बांध के मारा गया था। नहीं हुजूर, चौहद्दी है डायरी के पैराग्राफ नंबर। क्या है, आईओ है कि एसएचओ है? आईओ का। अच्छा, आप कहाँ, किस थाना से हैं? रुपसपुर। हाँ बोलिए, केस के बारे में बताइए, क्या मटेरियल आया है? मटेरियल एविडेंस है सर, इसमें आई विटनेस का भी इसमें बयान किया गया, पारा नंबर 78-29। एक पेन ड्राइव भी का मतलब एक फुटेज एक मिनट का है, उसमें भी उसमें फोटो आ रहा है। ये लोग सब मिलके उसको मारे और उसमें पिटिशनर भी था, पिटिशनर का भी आया फोटो, इसमें नाम दिया गया। देखिए देखिए, वो आई पेन ड्राइव के बारे में आपने उस पैरा में क्या लिखा है आईओ ने? सर, कांड के बाद में सुभाष देवी थाना पर उपस्थित थी, घटना का वीडियो पेन ड्राइव में उपस्थित की, जिसका क्या हुआ कि वीडियो में शंकर राम, दूसरा संजीवन दास, तीसरा राम जन्म उर्फ मियाँ जी, चौथा सनी कुमार उपलंगड़ा मारपीट कर रहा था तथा वहाँ पर किरण देवी खड़ी होकर अपने पुत्र से पिटवा रही। पेन ड्राइव में मृतक का फोटो भी। ये सुनील किरण देवी का बेटा है? कौन है सुनील कुमार? अलग आदमी है। कौन है? एक्यूज हमको इसीलिए बनाया गया क्योंकि हमने इनको रात के 11 बजे काम करने के लिए बुलाया था। आई विटनेस में सर 78 और 79। हाँ, उसमें क्या आया है सर? 78 पढ़ दीजिए। राजकुमार का बयान है सर, राजकुमार पिता दिनेश प्रसाद सागिन रूपसपुर जिला पटना से बताया गया कि पूछताछ में मंदिर से उतर कुछ दूरी पर मैट ठीका लेकर घर बनवा रहा हूँ। मेरा इधर उधर लगातार घर बनाने का कार्य हो रहा है। इन्होंने अपने बयान में बतलाया कि मैं सुबह जब अपने साइट पर जा रहा था तो यहाँ पर घटनास्थल भीड़ लगी थी। मैं भी रुककर अपने देखने लगा तो देखा कि बिजली के खंभा मार रहा है, तभी मैं मना किया तो लोग मुझे भी गाली गलौज करने लगा तो मैं साइड हो गया। वे लोग बोल रहे थे कि यह लड़का चोर है और महेश राम को टोटो सुनील दास का ठेला लेकर भाग रहा था, जिसे एवं महेश की पत्नी मिलकर पकड़ लिया है। बिजली के खंभे बांध कर रात से ही पीट रहा है। जिस समय मैं घर पहुंचा तो उस समय रामजनक एवं महेश का बेटा लंगड़ा उर्फ सन्नी डंडा से ग्रहमी से मार रहा था, तभी वहां पर संजीवन दास आए और राम जन्म को हटाया तो महेश राम एवं उनकी पत्नी एवं बेटा लंगड़ा सन्नी संजीवन दास को मारने के लिए दौड़ा और रस्सी नहीं खुलने तथा वे लोग बोल रहे थे कि ये लोग बाहरी हैं इसीलिए इसको बचा रहे हैं, इसके घर में चोरी होता है तो ये लोग बचाने के लिए नहीं बोलता है। उसके बाद मैं तथा संजीवन दास मंदिर के ऊपर चले गए जहाँ घर का निर्माण कार्य चल रहा था। इस घटना में कौन कौन लोग संलिप्त थे उसने बताया कि जिस समय मैं आया था उस समय राम जन्म जो महेश का बेटा लंगड़ा सनी ही मारपीट कर रहा था, इससे पहले कौन कौन मारा मुझे पता। और फिर आगे अगला ये और है सर, आई विटनेस सुभाष ठाकुर का है जिसमें देखिए सुनील का नाम है कि नहीं सर, सुनील कुमार दास जो भी मना करता था उसे महेश राम की पत्नी लड़ने के लिए उतारे हो जाती थी। घटना में शामिल शंकर राम, अर्जुन राम, संजीवन रविदास, सुनील कुमार, महेश राम की पत्नी किरण देवी,
महेश राम सन्नी कुमार लंगड़ा राम जन्म के बारे में पूछा तो बताया कि जिस समय मैं वहाँ पर था उस समय राम जन्म मियाँ जी सन्नी कुमार लंगड़ा पोल में बंधे हुए लड़का को मार रहा था तथा सुनील कुमार महेश राम और महेश राम का पत्नी वहाँ पर खड़ी थी तीनों और मारने के लिए बोल रहा तथा शंकर राम अर्जुन राम संजीव रविदास को मैं वहाँ पर नहीं देखा सबको सबको हजूर मारते हुए किसी ने नहीं देखा और नहीं हमने एक भी थप्पड़ मारा लड़का चोरी कर रहा था चोरी करने अढ़ाई बजे रात में पहला तो हजूर क्यों चोरी कर रहा था तो मार दीजिएगा तो हम कहां मारे नहीं इंटायर केस डायरी में इंडिपेंडेंट विटनेस का सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी डिलीट हो गया है क्या आईपीसी से दम नहीं डिलीट हुआ है हुजूर तो फिर तो आप पर एलिगेशन 302/34 का है तो आप जब ये विटनेसेस गए तब बाकी एक सेक्शन ऑफ लोग मार रहे थे आप खड़ा होके पहले पीट चुके थे बाकी लोग हाथ साफ कर रहे हैं ऐसे केसेस में क्या होता है आसपास के सब लोग हाथ साफ करते हैं आप थक गए पीटते पीटते तो दूसरा आया पीट रहा आप चोर चोर को मार दीजिएगा एकदम नहीं हुजूर एकदम इनह्यूमन घटना है एकदम इनह्यूमन हम अभी इन्हीं की बात मान रहे हैं कि वो चोर था चोर नहीं हाँ नहीं नहीं इनकी बात फॉर द टाइम बीइंग हम मान रहे हैं हम चोर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इनकी बात मान रहे हैं आई एम एक्सेप्टिंग हिज आर्गुमेंट फॉर द टाइम बीइंग दैट ही वाज अ थीफ व्हाट गिव्स देम द राइट टू किल हिम डेफिनेटली माय लॉर्ड नो वन हैज द राइट टू किल एनीवन लेकिन हुजूर इन द एंटायर केस डायरी अगर एक आदमी का भी स्टेटमेंट हो कि उसने हमको मारते हुए देखा है एक थप्पड़ भी अगर हमने मारा है हुजूर देन आई एम आउट ऑफ दिस कोर्ट यस हां क्या बोल रहे थे नरेंद्र बाबू सुनील कुमार दास पिटिशनर के यहाँ इसका पैसा बाकी था इसने गया मांगने के लिए उसके बाद पिटिशनर जो ऐसा गया इसको फर्दर दूसरा काम करने के लिए तो बोला कि पहले पैसा हमको दे दीजिए तब हम दूसरा कोई काम करेंगे आपका तो वो मना के ले गए कि सबका पैसा तुम चलो काम कर दो सारा पैसा तुमको जोड़ करके दे देंगे उसके बाद जब वो गया काम उम कर दिया करने के बाद पैसा नहीं दिया फिर वो दो बजे रात में लौट आया फिर दो ढाई बजे गया अपने मदर से बोला मदर या उसकी जो मौसी लगी बोला कि सो हम जाते आज पैसा लेके ही आएंगे तो दो ढाई बजे रात में फिर गया उसके बाद से ये घटना घटी पिटिशनर खुद लेके गया और कुछ पैराग्राफ 17 में हुजूर वीडियो क्लिप का जो कहा गया और कुछ उसमें भी हुजूर कहीं पर हम नहीं ठीक घटना एकदम इनह्यूमन है लेकिन इनह्यूमन घटना में हुजूर पिटिशनर हैज गॉट नो रोल टू प्ले इन दैट माय लॉर्ड इन दिस केस स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट लेट हिम आर्गू यू हैव कंप्लीटेड योर आर्गुमेंट प्रोसिक्यूशन केस Heard the learned counsel for the petitioner and the learned counsel for the state. Learned APP for the state, Sri such and such. The police officer from Dupaspur police station has assisted the court, assisted the learned APP along with the case diary. Narendra sir, Kumar likhte hain ki Prasad likhte hain? Kumar Singh. There is no dispute that the deceased was tied in a pole and was assaulted by the accused persons, including the petitioner and his family members. The petitioner submits that he was a thief, whereas the prosecution case is that the deceased has gone to demand his wages, outstanding wages, and instead of paying the outstanding wages, he has been brutally assaulted by tying him in the electric pole, and after brutal assault, he was killed. There is direct evidence of the participation of the petitioner in the killing of the deceased, in the brutal killing of the deceased,
आई एम नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट बेल टू द पिटिशनर, दिस एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड, द ट्रायल इज डायरेक्टेड टू बी एक्सपीडाइटेड. ठीक है, पिटिशनर कर दीजिएगा एंड अदर अक्यूज. माय लॉर्ड्स प्लेजर.